आप सबके साथ बातचीत करेंगी और उसको वो जो उनकी रिसर्च है इसके ऊपर जिस पे वो काम कर रहे हैं कम्युनिटीज को, ये बुनियादी तौर पे ये जो सवाल आता जो आपकी प्रेजेंटेशन में देखेंगे उस पे जो है वो ये रिसर्च कर रहे हैं, ये जी नागी, क्वेश्चंस कम्युनिटी के मेरा लिए, ये ख्याल है बच्चियों कि के लिए। ये जी जी बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, पता नहीं आपकी तरफ से इशू है ये यहाँ की तरफ से इशू है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी मैडम, वो आपकी तरफ शायद सिग्नल का इशू है, वही मैं देख रही थी कि आप नहीं है। मैंने क्वेश्चन नंबर टू पे आ गई हूँ आपके, जो आपने हाँ जी बातचीत शुरू की हुई थी, प्लीज कंटिन्यू रखिए। अच्छा, तो उसमें ये कि अगर पीरियड्स के बारे में अक्सर लड़कियों का होता है ना, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जो लड़कियां हैं उनको पीरियड्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया, वो कौन था जिसने इनको पीरियड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी। हमारी देही रहनुमा खवातीन आपकी मदद करें इस सवाल के जवाब में कि उनके इलाके में ज्यादातर बच्चियों तक ये मालूमात कैसे पहुंचती हैं। जी कोई एक दो लोग रिस्पॉन्ड कर दे मैडम को कि ज्यादातर ये मालूमात पीरियड्स के हवाले से, पीरियड्स आने से पहले बच्चियों को कहाँ से ये मालूमात मिल रही होती है आपके फिर? और नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि हम लोगों ने जो रिसर्च कंडक्ट की थी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और स्कूलों में सॉरी तो वहां यही था कि लड़कियां कह रही थी कि हमें फ्रेंड से पता चला ना, तो इसमें मैं ये जी कहूंगी कि जी सबसे ज्यादा सेफ तरीका जो है वो माँ का और बहन का है, कि अगर माँ और बहन बताए तो वो ज्यादा सेफ है बनिस्बत फ्रेंड्स के और पड़ोसियों के। जी मिस बिस्मिल्लाहिर्रहमान, आपने हैंड रेज किया, मैं आप कुछ कहना चाह रही हैं इस सवाल के जवाब में, तो प्लीज बता दीजिए। और अगर पहले वाला होया हुआ है तो फिर मैं इसको इग्नोर कर दूं। जी मैडम रूबीना, बात कीजिए, जारी रखिए, कोई रिस्पांस नहीं आया उधर से। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि अगर माँ बताए ना बचपन से ही अपनी बेटी को, जब से वो सन बलोगत के उसमें से वो स्टार्ट होती है, तो वो ज्यादा सेफ है बनिस्बत इसके कि अगर उसको कोई फ्रेंड बताए या मोहल्ले वाली बताए। क्योंकि हम लोगों ने जब ये लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन का प्रोजेक्ट किया था स्कूलों में किया था, तो वहां पे कुछ लड़कियों की हमारे पास केस स्टडीज आई थी जो फ्रेंड्स ने उनको गलत तरीके से गाइड किया था जिसकी वजह से उन्होंने सफर किया था। जी तो जी इसीलिए मैं ये चाहूंगी कि जितनी भी लड़कियां हैं अगर उनको अपनी माएं या बड़ी बहनें गाइड करें तो वो ज्यादा सेफ है। हमारे चैट बॉक्स में भी हमारी कुलीग हुमा इरशाद गुजरांवाला से, उन्होंने लिखा है कि उन्हें अपनी बहन से मालूम हुआ था। ठीक है, सॉरी नाहिद, मेरे गले में थोड़ा सा इश्यू है जिसकी वजह से इट्स ओके मैम, इट्स ओके, हाँ नो इशू, जारी रखें। क्योंकि आपको पता है कि ये जो पीरियड्स होते हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम होता है, ये हार्मोनल चेंजेस होती हैं, और जब लड़की को पीरियड्स आते हैं तो उस वक्त से ही उसमें माँ बनने की सलाहियत स्टार्ट हो जाती है। मतलब जब उसको पीरियड्स आते हैं तो वो उस पीरियड्स में जब उसको ब्लीडिंग होती है तो इट मींस कि वो ब्लीडिंग होती है, अगर नहीं तो वो माँ बन सकती है। तो इसलिए बहुत एहतियात की जरूरत होती है स्पेशली लड़कियों के लिए कि कोई उनको गलत गाइड ना करे और किसी गलत लाइन पे ना लग जाए। तो इसलिए मैं ये चाहूंगी, तमाम बहनों से मेरी ये दरख्वास्त होगी कि जब उनकी लड़कियां बड़ी हो जाती हैं तो वो खुद उनको बिठाएं और उनको गाइड करें कि ये पीरियड्स क्या होते हैं, कितने दिन तक होते हैं और इसमें क्या एहतियात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैम, ये कंफर्टेबल वाला आप कर चुकी हैं। हु डू यू फील मोस्ट कंफर्टेबल टॉकिंग होती है वो भी बिल्कुल ठीक अबाउट है। योर मेंस्ट्रुएशन? जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो आ रहा है वो ये है कि हमारी फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन के वक्त, मतलब पीरियड्स के वक्त, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो बाहर होती हैं या घर पे होती हैं, और या अगर उनके पीरियड्स हों वो कहीं बाहर जाती हैं तो उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है।
अगर आप अपनी मदनी वॉइस वेमेन पे कंफर्म डेवलपमेंट, कर। जी, जी मदनी वेमेन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से हैंड रेज हुआ है रानी वहीदा का। रानी पूछना चाह रहे हैं ये कि जो हमारी बच्चियां हैं उनको जब पीरियड्स होते हैं उस दौरान घर से या घर से बाहर उन्हें किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इस पे अगर आप बात करें। आपके माइक के साथ इशू है, मीटिंग को लीव करके दोबारा लॉग इन होइएगा रानी, तब तक हम बात जारी रखते हैं। बात जारी रखिए बेटा। क्योंकि नाहिद हमारा कल्चर है ना कि हमारी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और कुछ लड़कियां, हम लोगों ने ऐसा माहौल बनाया होता है कि लड़कियां शर्म के मारे अपनी माँ से भी बात नहीं कर सकती, तो बाकी तो फैमिली मेंबर से सवाल ही नहीं पैदा होता। और अक्सर जब पीरियड्स आते हैं तो लड़कियां स्कूल भी नहीं जाती हैं, कहती हैं कि हमें वहां पे लड़कियां मजाक उड़ाती हैं या रास्ते में कहीं अगर स्पॉट वगैरह लग जाए तो फिर लोग मजाक उड़ाते हैं। तो इस सिलसिले में उनको कोई इशू तो नहीं आता या उनको क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं? जी ये वो सवालात हैं जिन्हें हमें अपने घर में अपनी बच्चियों से करना चाहिए। क्या ख्याल है मैम? फिर हमारा एक और क्वेश्चन ये भी है कि आपके जो पीरियड्स होते हैं उसके दौरान आप एक पीरियड, मतलब एक साइकिल में किसी के 7 दिन होते हैं, किसी के 4 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, आप कितने पैड्स इस्तेमाल करते हैं? अगर पैड्स आप नहीं इस्तेमाल करते तो अगर आप वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं तो एक ही कपड़ा आप सारे दिनों में इस्तेमाल करते हैं या नहीं, उसको आप चेंज करते हैं? मेरे ख्याल में मैम एक बार जरा क्वेश्चंस जी को का जो ऑब्जेक्टिव है और गो थ्रू हो जाए, तो एक बार शायद सारी कन्वर्सेशन सुनने के बाद हमारे जो शुरका है उनकी तरफ से फीडबैक आए या क्वेश्चंस आए वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। जी, सो इसकी जरूरत क्यों है, इस पे बात करने की, इसकी अफादियत क्यों है, ये अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो ये मेरे ख्याल में ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यहाँ मेरे पास हुमा मुझे बता रही हैं कि उनके 3 डेज होते हैं और 3 डेज में 3 पैड्स यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें। यस प्लीज। अच्छा, आप कितने टाइम के बाद, कितने घंटों के बाद आप अपना पैड चेंज करते हैं? कुछ लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी हैं जो कहती हैं कि हम जो है अपने पैड को वॉश करके उसी को दोबारा यूज करते हैं, या अगर आप कपड़ा इस्तेमाल करती हैं तो कपड़े को आप कितनी देर बाद वॉश करती हैं? 1 डे बाद, हुमा हमें बता रही हैं कि वो 1 डे बाद करती हैं चेंज। ठीक है, आप जब ये पैड्स या आप कपड़ा यूज करते हैं तो इससे आपको कोई मसला दरपेश होता है, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा खारिश हो रही हो, या कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि उनके दाने बन जाते हैं जिसको हम रैशेस कहते हैं, या बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है, आपका एरिया जो है वो रेड सा हो जाता है, पिंक सा हो जाता है, ऐसा कोई मसला किसी को फेस करना पड़ता है? ठीक है, एक पार्टिसिपेंट को करना पड़ता है। आपको किस किस्म के पैड्स खरीदना पसंद है? उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? और अगर आप कोई पैड ले रही हैं तो आप क्या चाहती हैं कि उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? नहीं, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो हमारे जी देहाती मैडम प्लीज ऐड कर खवातीन हैं दीजिए। वो अक्सर जो है कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, जो बिल्कुल मेरे ख्याल में वो ज्यादा सेफ है बनिस्बत पैड्स के। एक तो इकोनॉमिकल भी है ये,
और दूसरा ये कि कोई अफोर्ड कर सकता है कोई नहीं कर सकता, लेकिन कपड़ा जो है वो सबसे बेस्ट है मेरे ख्याल में। लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि बाकी जो बहनें हैं वो क्या सोचती हैं। क्योंकि मुझे याद है चैट कि में मैं, हमारी मैं कहती होती जी जी मैं थी कह रही हूँ, कि आप कपड़े इस्तेमाल करो और जब गंदा हो जाता था तो उसको धो के इस्त्री करके धूप में सुखा के फिर हम उसको इस्तेमाल करते थे। और पैड्स जो हैं, जो हम लोगों ने रिसर्च की थी तो उसमें लड़कियों ने कहा था कि हम लोग पैड जो है जब गंदा हो जाता है तो उसको धो के वॉश करके सुखा के फिर इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल अनहाइजीनिक है और वो सेहत के लिए बहुत, जिसकी वजह से हम लोगों को यूटीआई भी हो सकता है और बाकी इन्फेक्शंस जो हैं वो भी इजीली हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एक्सपीरियंस जॉइंट मसल बैक एंड ब्रेस्ट पेन बिफोर योर हाँ जी, पीरियड्स? इसको किस थोड़ा सा किस्म के एक्सप्लेन कर दें इश्यूज लोगों के आते लिए हैं? हाँ जी, मैडम, इसको थोड़ा सा अगर मतलब उर्दू में अक्सर, एक्सप्लेन कर दें लोगों के लिए। हाँ जी, जब पीरियड्स आते हैं तो अक्सर वो जो कमर में दर्द होना और ब्रेस्ट पे खारिश होना और इस तरह की चीजें होती हैं ना, तो दर्द होती है, एब्डोमन में पेन होती है। मैंने आपको कहा था ना कि जो एब्डोमन में अक्सर लड़कियों को पेन होती है, जिसकी वजह से लड़कियां अपनी तरफ से कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर लेती हैं, जो किसी फ्रेंड ने कोई बताया, जो कुछ भी बताया वो इस्तेमाल कर लेती हैं, जो गलत है बिल्कुल। ये मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, बल्कि आपको अगर इस तरह का कोई भी इश्यू हो जाए, क्योंकि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया था कि मेरी बेटी को इस तरह से पीरियड्स में पेन होती थी, तो वो उसकी कभी टकोर करना, कभी उसको अजवाइन देना, कभी कुछ करना, लेकिन फिर जब उसको स्वेयर पेन हुई और जिस वक्त हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए चेकअप के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसकी ओवरीज में सिस्ट है, तो जिसकी वजह से फिर उसकी काफी देर तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट को जारी रखा और उसके बाद कहीं अब वो रिकवर हुई है और अब माशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। सना अगर ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें। चाहती है सिंह, सॉरी, सुगरा अच्छा जमाली का हैंड रेज है, शायद ये पिछले क्वेश्चन पे कुछ कहना चाहती है। सुगरा, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बात कर लीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है मैडम क्वेश्चन से तो कर लीजिए प्लीज। आपका माइक म्यूट है सुगरा। जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मैम अभी हम ग्रुप में ही आपकी जो है ना वेबिनार सुन रहे हैं। मेरे साथ काफी सारी लड़कियां और भी बैठी हुई हैं, मैं कैमरा ऑन कर वेरी रही हूँ गुड, सबको अगर हम खुश आमदीद कहते हैं। आप दादू से हैं और ईमान फाउंडेशन से हैं सुगरा जमाली जी जी, जी मैम जी जी कौन तो कौन है, मैं कितनी ये लड़कियां आपके साथ, मेरे साथ एक दो अगर मुझे तीन ये चार बता दे तो पांच मेरे लिए ज्यादा खुशी होगी मुझे जान के। पांच और लड़कियां हैं, छठी में हूँ मैम। अगर कैमरा मैंने ऑन किया हुआ है को देखना चाहे तो छह छह हम खुद जी वेरी बैठे गुड, हुए हैं। तो ये टॉपिक था आज का मैम, ये कहना चाह रही कि बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक है, तो इस पे लड़कियों को अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ जो गांव में होती है ना, तो लड़कियां या औरतें सब वो कपड़ा ही यूज करती हैं, तो यार इनका ऑलवेज, यहाँ ये कुछ शहर में कुछ लड़कियां हैं औरतें हैं करती हैं, लेकिन ज्यादातर वो कपड़ा यूज करती हैं। फिर वो अगर खराब हो गया, दिन में दो तीन बार चेंज किया, तो उसकी इतनी सफाई ज्यादा नहीं होती है। और ट्रेडिशनल तरीका हमारे यहाँ यही है पूरी सिंध में ज्यादातर। अब शहरों में थोड़ा ऑलवेज वगैरह कर रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में यही है। तो बाकी जो खराब होता है फिर उसको धो के फिर वो दोबारा इस्तेमाल करती हैं। काफी हमने अवेयरनेस वगैरह दी हुई है लड़कियों को कि अगर कर रही हैं तो सफाई, एक बार इस्तेमाल करके फिर उसको जाया कर दें, कपड़े को बार बार वो इस्तेमाल ना करें। लेकिन यहाँ पे यही है कि महीनों तक वो कपड़े चलते रहे, मैंने सालों तक वही पैक करके फिर महीने के बाद रख देती हैं, फिर दूसरे महीने वो इस्तेमाल करती हैं, तो ज्यादातर यही होता है। इसकी वजह से काफी सारे इन्फेक्शन वगैरह या बीमारियां होती हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक हेल्थ से है आपको पता है, तो मैं समझाती रहती हूँ लड़कियों काफी।
लेकिन आज का टॉपिक माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जो जो सुन रहे होंगे उनके बहुत सारा फायदा होगा, इसीलिए मैंने लड़कियों को बिठाया हुआ है, मैंने कहा आप सब गौर से सुनो ये बातें और इस पे अमल करो। थैंक यू मैम जी, बहुत शुक्रिया सुग्रिया सुग्रा जी। मैडम जारी रखें। तो जी मैं ये पूछ रही थी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि पीरियड से पहले कुछ लड़कियां बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खफा रहना शुरू हो जाती हैं। कुछ लड़कियां मैंने ऐसी भी देखी हैं कि बिल्कुल घर के कोने में बैठी रहती हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करती, तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ होता है? और क्या कुछ आपके लड़कियां साथ ऐसी ऐसा कुछ होती होता हैं है या आपके मुशाहिदे में ऐसा आया हो? क्या हम ये ऐड कर दें साथ, क्योंकि हमारे साथ जी काफी बिल्कुल सीनियर ख्वातीन भी मौजूद है, तो हम उनसे ये भी पूछते हैं कि आपके मुशाहिदे में क्या कभी ऐसा आया है कि पीरियड से बिल्कुल पहले उनके जब अय्याम खास शुरू होने वाले होते हैं तो वो जरा आपको परेशान दिख रही हो, साइड पे बैठी हो? जी। और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल घबरा जाती हैं इससे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास ये है कि कुछ लड़कियों को पीरियड्स में, जैसे मिस रुबीना ने शेयर किया, उन्होंने मेरा बताया कि जैसे मुझे पीरियड्स में बहुत ज्यादा सिवेयर पेन हुआ करती थी, तो क्या आप में से या आपने कोई कोई आपके रिश्तेदार, कोई फ्रेंड, आपने इस तरह कभी देखा हो कि किसी लड़की को बहुत ज्यादा पीरियड्स पेन होता हो? और अगर होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप उस दर्द को कम करते हैं? आप उसको किसी मतलब घर में ही जो हम ये टोटके वगैरह हम करते हैं इससे आप कम करते हैं, या नहीं आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई मेडिकेशन आप लेते हैं मेडिसिन से? कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं कि जो इंजेक्शंस लगाती हैं पीरियड्स में दर्द कम होने के लिए, तो इसके लिए आप क्या करते हैं? हेलो। जी हाँ जी 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 मैं बात बताना कीजिए। चाहूंगी ना उसमें थोड़ा सा जी कि जी 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 बात कीजिए। तो एक तो अगर मैं अपनी पर्सनल अपनी बात करूं तो मुझे यही था कि मना के जब से स्टार्ट हुए थे ना तो तब से सीवियर पेन, पहली बार से लेकर इतना शदीद शदीद पेन होता था कि बर्दाश्त से बाहर। तो उस वक्त बिल्कुल तो जो हमारे अम्मी वाले हैं वही पैरास्टामोल टेबलेट हो गई या पोनिस्तान टेबलेट हो गई वो दे दी थी, ठीक है, या फिर वो जो है तेल से मालिश करती थी, तेल लगा के ऊपर से वो उस तेल से मालिश करती थी, या किसी गर्म बोतल या किसी चीज में पानी डाल के गर्म से फिर उसको वो टकोर करती थी। यही होता था ज्यादातर, अभी तक भी यही हो रहा है कि कोई पेन किलर दवा दे दी या फिर जो है तेल से मालिश कर दी या फिर नहीं इंजेक्शन, इंजेक्शन भी कम, अभी अगर हो बहुत ज्यादा दर्द होता है तो वोरिन इंजेक्शन वो भी लगवा देती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जब यानी कि समझो सालों गुजर गए तो फिर वो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये है ना कि अगर लड़की को दर्द हो रहा है ये हो रहा है चलो जी ये तो इसकी शादी करा दो, तो ऐसे मसले हमारे यहाँ बहुत होते हैं, तो ये हमारे यहाँ ये होता है। अच्छा मैं अब इसको कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसमें ये बात है कि बिल्कुल सही बात है कि ये बस्को पान जो थी बहुत कॉमन मेडिसिन इस्तेमाल होती होती थी पीरियड्स के लिए, और लड़कियां अक्सर जो है माएं उनको कहती थी बस्को पान दे दे, लेकिन एक वक्त में ये था कि बस्को पान ज्यादा नहीं इस्तेमाल करनी क्योंकि उससे किडनीज का इश्यू हो जाता था, तो इसलिए ये था कि बस्को पान, पेनाडॉल, पैरासिटामॉल, वोरीन, ये सारी टेबलेट्स जो हैं ये इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए बेहतर यही है कि मुझे पता है कि इसके लिए लोग टकोर भी करते थे, चावल लेके उसको गर्म करके उसकी टकोर करना, ईंट को गर्म करके रखना, या इस तरह के और टोटके जो थे अजवाइन को इस्तेमाल करना, तो ये सारे टोटके लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में ये है कि जब पीरियड्स आए ना और उसमें पेन हो तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है कि उसको टकोर तो ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये अंदर का जो सिस्टम होता है ना, क्योंकि यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल्स होती हैं, यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम वॉल्स होती हैं जो जिस वक्त ये पीरियड्स आते हैं तो वो टूट जाती है, इसकी वजह से पीरियड्स जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से ये है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल्स जो होती हैं, सॉरी मैं बार बार कहूंगी, मेरे गले में बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा इट्स और ओके मैडम, दूसरी बात ये वी अंडरस्टैंड।
नेट का भी कुछ थोड़ा सा इश्यू तो आ रहा है, बहुत ज्यादा बार बार डिसकनेक्ट हो रहा है। अच्छा सुकरा मैडम हमें जमील आपकी आवाज का, बहुत क्लियर आ रही है अभी, सो इसलिए आप अच्छा अपनी जो सवालात हैं उनको हम पहले ग्रो थ्रू हो जाते हैं, ताकि फिर कमेंट्स लोग चैट में भी लिख रहे हैं और कमेंट्स भी आएंगे, फिर उसको रिस्पॉन्ड कर लेंगे, ताकि हमें एक बार इस इसमें ये सारे भी से है ना ना कि ग्रो थ्रू हो जाए। आपको पीरियड्स के जी जी थैंक दौरान यू। किसी दर्द का सामना करना पड़ता है, दर्द होती है या और कोई इस तरह का इशू, ये साइकोलॉजिकल इश्यूज इसलिए होते हैं कि जो हार्मोनल चेंजेस जो होती हैं इसकी वजह से इंसान का साइकोलॉजिकल जो होता है ना उसका बहुत ज्यादा इशू होता है। डिप्रेशन में लड़कियां चली जाती हैं, एंजाइटी में चली जाती हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेस होती हैं। जैसे अभी सना ने बताया था कि कोने में बैठ जाती हैं, किसी से बात नहीं करती, तो ये है कि ये सारे इश्यूज जो है साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं, हेल्थ के साथ साथ साइकोलॉजिकल इश्यू भी उनको फेस करने पड़ते हैं। तो ये जितना भी यूथ हमारा बैठा हुआ है, मैं जानना चाहूंगी कि इनको कौन कौन से इश्यूज आते हैं सामने, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। मैडम हमारी एक बहन ने चैट में लिखा है कि उनकी जो स्टूडेंट्स हैं वो पीरियड्स के दौरान छुट्टी कर लेती हैं, घर रहती हैं। बिल्कुल, और वो छुट्टी इसीलिए करती है ना कि या उनको पेन होती है या उनको कोई और इस तरह दिल खराब होता है या स्टमक में पेन होती है, तो वो नहीं जाती है कि हमसे टीचर पूछेगी तो हम क्या, मतलब वो बताते हुए शर्म महसूस करती हैं। हेलो मैम, मैडम आपका नेक्स्ट एक क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फूड। क्वेश्चन जी, मेरे साथ जो लड़कियां बैठी हैं कौन? उनमें से एक लड़की सवाल करना चाह रही है, मिसबा, मिसबा चारण उसका नाम है। जी मैम मिसबा मुझे बात भी कीजिए आती है प्लीज। तो, मुझे भी जब आते हैं तो मैं भी कॉलेज से छुट्टी कर, कॉलेज से छुट्टी कर हाँ लेती, भी शर्मा उनमें से जो रही छुट्टी है, कर लेती है। हाँ शर्मा रही है मैम। इस टॉपिक पे लड़कियां बात करते हुए भी शर्मा रही है ना, वो कह रही मैं क्या, जब आते हैं मुझे मैसेज तो मैं कॉलेज से छुट्टी कर लेती हूँ। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अपना तजर्बा हमारे साथ शेयर करने का। मेरी बेटी भी छुट्टी कर लेती है कॉलेज से। सही। जी मैडम जाइए, रखिए सुरुबीना, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू ईट ड्यूरिंग योर पीरियड्स। हम किस तरह की खुराक खाते हैं, किस तरह के खाने खाते हैं जब हम पीरियड्स होते हैं, वो क्या कुछ खास खुराक में हमारा फर्क आता है, या जो हम रूटीन में खा रहे होते हैं उसी पे उसी को ले रहे होते हैं। सुगरा जमाली के साथ जो और लड़कियां बैठी हैं वो कोई बात शेयर करना चाहती हैं, और किस तरह जी के मसाइल होते हैं। मैं भी मैम, आपको बताना चाहती हूँ, मैंने अपने कॉलेज दौर में भी, मुझे बहुत पेन होता था और मैंने हमेशा ब्रूफेन खा के ना एक लेक्चर अटेंड करके आ जाती थी, दो क्लासें गुजर जाती थी, और उसके बाद में मैंने अपनी सेहत को बहुत भुगता, क्योंकि ब्रूफेन ज्यादातर आपको 500 ml वो ग्राम की मिल रही होती है, तो मैं वो खाती होती थी तकलीफ से बचने के लिए अपने कॉलेज दौर में। सुबीना प्लीज जाइए, रखिए। जी बिल्कुल। अच्छा नहीं, मैं ये कह रही थी कि पता नहीं डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा है इसमें, हमारी तरफ से शायद सिग्नल का इश्यू है, तो मैं चाह रही थी कि अगर कोई क्वेश्चंस हो और इस सेशन को हम किसी और वक्त कर लें। मैडम तकरीबन आपकी तमाम गुफ्तगू जो है वो कवर हो चुकी है, आपका लास्ट क्वेश्चन आया व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू ईट ड्यूरिंग योर पीरियड्स, हाँ जी, तो क्या आप हमें अच्छा सजेस्ट इसमें कर ये सकते नहीं, हैं, अगर लोग नहीं कोई जवाब देते तो क्या खाना चाहिए। मैंने हेलो हेलो जी 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 बोलिए। जी जी अच्छा मैम, इसमें मैं इसमें ये जवाब देना चाह रही हूँ कि
हमारे यहाँ जो लड़कियां जो बैठी हुई है ना अभी, ये फर्स्ट टाइम है उनका ये सेशन सुन रही हैं, और ये टॉपिक ऐसा है, थोड़ा सा शर्मा भी रही हैं, लेकिन वो बता रही हैं कि, और मुझे अपना तजुर्बा भी है और इन लड़कियों का भी जो मुझे बताती हैं, कि इन दोनों में जो फूड होती है ना, इनका खाना पीना होता है ना, वो कुछ घर वाले भी उनको कहते हैं कि गर्म चीजें खाएं, जैसे मुर्गी का सूप वगैरह हो गया, या हल्की गजा, हल्की और नरम जो होता है गर्म गजाएं वो खाएं, तो वो फिर जो होता है मेंसेस में दर्द वगैरह कम होता है, तो ये रूटीन होती है, हल्की गिजा हो और गर्म गर्म, जैसे अंडे उबले हुए हैं चलो वो खिला दें, या मुर्गी का सूप वगैरह, या मूंग की दाल होती है, ऐसी चीजें खिलाते हैं ताकि दर्द भी कम हो, और थोड़ा सा मेंसेस ज्यादा हो जाएंगे ना तो फिर वो दर्द कम होगा इनका, तो हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, और मैं अपने लिए ये जानना चाहूंगी, अच्छा इसमें ये है कि मुझे बताएं, जमीला दाऊद है ना, सुगरा, सुगरा जमाली, हाँ जी हाँ जी, मुझे ये बताएं कि आप क्या कहती हैं कि पीरियड्स के दिनों में ये अक्सर लोग लस्सी पीना, दही, ये तो वैसे भी ठंडा होता है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है जो हेल्थ में काम कर रही हैं? नहीं, लस्सी या ठंडी चीजें में मैम उनमें दर्द ज्यादा होता है जो मुझे लगता है, हेल्थ वाले तो मना नहीं करते, हेल्थ में तो हमारे हेल्थ में तो ये है कि जी सब कुछ खाओ, कोई मसला नहीं है खाने पीने से, लेकिन हकीकत में जो है ना वो लस्सी और ये दही वगैरह खाने से दर्द ज्यादा होता है, तकलीफ होती है। बिल्कुल ये बात है, और नहीं खाना भी नहीं चाहिए, दही जो है खाना चाहिए, लेकिन ये कि पीरियड्स के दिनों में वो थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ठंडा होता है ना, उसकी वजह से पेन होती है, और कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ पेन जो है वो ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वैसे तो दही कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये कि दही हो गया, लस्सी हो गई, इससे जो है इस्तेमाल करने से पीरियड्स में पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, हाँ होता है। और मैम दूध पीना चाहिए इन दिनों में कि नहीं? हाँ, दूध पीना चाहिए, दूध क्योंकि उसमें कैल्शियम होती है, वो अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमारे गांव की औरतें कहती हैं कि दूध की वजह से जख्म हो जाता है, ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो ये हर एक इलाके का अपना अपना एक वो है कि कोई लोग पीते हैं कोई नहीं, लेकिन ये कि मेडिकली जो है वो अच्छा होता है, क्योंकि कैल्शियम इसमें होती है तो वो अच्छा होता है, ताकत में इसमें रहती है लड़की। मेडिकली तो मैम नहीं है, वो मना नहीं करते किसी भी चीज से, ज़्यादा दूध या ताकत वाली चीजें हैं, या है गोश्त वगैरह सब, ये तो ताकत वाली चीजें, वो तो कहते हैं वो खाती रहनी चाहिए इन दिनों में। हमारे चैट बॉक्स में मैम दो लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है कि ठंडी चीजें हम नहीं खाते, रूटीन फूड खाते हैं और अवॉइड करते हैं आइसक्रीम वगैरह को, नीम गर्म दूध में देसी घी मिला के भी पीते हैं। हाँ जी, क्योंकि बहुत गर्म शुक्रिया होता है ना? जो आप लोग अपने हमारे साथ अपने तजुर्बात शेयर कर रही है। जी जी, और जी किसी का कोई कमेंट है? हो, कोई क्वेश्चन हो, जी मैडम जारी रखें गुफ्तगू। जी सुखरा, आपका कोई क्वेश्चन है? सुखरा, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका माइक म्यूट हुआ है सुखरा। जी जी मैम, एक जो मेरी पार्टनर है ना, वो जो बैठी हुई है मेरे साथ, वो पूछना चाह रही है कुछ। जी जी, प्लीज पूछिए। अस्सलाम मैम, मैं नेकपरिन सुमरो अदी के साथ बैठी हूँ, स्टिल मैंने शादी नहीं की, तो मैडम एक ये सवाल पूछना था आपसे कि जब ना मुझे पीरियड्स आने वाले होते हैं तो मुझे पीछे से, मतलब स्पाइनल में मुझे बहुत, मतलब बैठने में सोने में तकलीफ होती है ना, जैसे ही वो आ जाते हैं 3 दिन के बाद फिर मैं सेट हो जाती हूँ, तो क्या ये लिंक है इससे, ये पीरियड्स का स्पाइनल पीछे से, मतलब इसका कोई, दोनों का? बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है कि जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम है उसमें आती है ओवरीज आपकी आती है, फ्लोपियन ट्यूब्स आती है और यूट्रस आता है, तो आपकी जो फ्लोपियन ट्यूब्स हैं तो और जो ओवरीज हैं उसका बैक, अगर आप हाथ लगाएं ओवरीज को, असल में अब अगर डायग्राम होता ना तो उस पर मैं आपको समझा देती कि जो ओवरीज होती हैं उनका काम होता है ओवुलेशन करना, तो जिसकी वजह से वो यहाँ पे आपके सेट होती हैं, तो उसके जो बैक होती है ना उसमें आपकी जो ट्यूब्स होती हैं तो वो प्रेशर जो होता है वो किडनीज पे पड़ता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको इस वजह से पेन हो रही हो, लेकिन ये मेडिकली जो है मुझे कोई इसका खास वो नहीं लगता। तो मैडम इसका, इसके कोई मतलब प्रिवेंशन वगैरह वो कुछ आप नहीं मतलब सजेस्ट कर सकती, ऐसा कोई प्रिवेंशन हो?
प्रिवेंशन की तो यही है कि अगर आप रेस्ट करें जब आपको पीरियड्स आए हो तो जरा आप इस पोजीशन में लेटें ताकि आपकी कमर को और आपकी बैक को आराम मिले, और कोई भारी चीज ना उठाएं, कोई भारा काम ना करें जिसकी वजह से आपके यूट्रस पे और आपकी ओवरीज पे और फ्लोपियन ट्यूब्स पे कोई प्रेशर ना पड़े। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, ये पूछना था। लेकिन यहाँ पे और भी कोई LHVs हैं जो इस ग्रुप में हैं, अगर वो इसका आंसर दे सकें तो मैं चाहूंगी कि वो भी अगर इसको रिस्पॉन्ड कर सकें। जी, किसी का कोई और सवाल हो, कमेंट हो, कोई आपकी तजवीज हो? सुगरा बानो ने भी हैंड रेस किया है। जी सुगरा, आप कहाँ से, अपने जिले का नाम बताइए और जो भी आपका कमेंट है या सवाल है जिन्होंने कहा है कि इनके ना ये स्पाइनल में पेन होती है। ये मेरे ख्याल में इस एज में आकर ना वीकनेस की वजह से भी ये मसला हो जाता है, या फिर हो सकता है इनका बैठने का काम ज्यादा हो। जी, ये दो वजूहत भी हो सकती है दर्द की। मैम एक्चुअली मैम मेरी 35 एज में मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा वजन मेरा है पर ये है कि 70+ है, और दूसरा ये है कि मैं मेरी हाइट जो है ना वो मैं थोड़ी सी लंबी हूँ। पर मैम ऐसा कोई बैठने का काम नहीं है, बाकी चलने का हम सोशल सेक्टर में हम जॉब करते हैं, तो इस हवाले से पहले मैडम मुझे नहीं पता था, अभी रिसेंटली तकरीबन कुछ माह से मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ना। मतलब ये जैसे मैडम ने कहा कि काम करने के हवाले से जब मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ घर का, तो फिर मैडम मैं थोड़ा सा फील करती हूँ, जिस वजह से मैं नमाज भी बैठ के नहीं पढ़ सकती ना। मतलब इतना शदीद मुझे पड़ता है ये पेन स्पाइनल में। अच्छा, इसमें कुछ ओवर एज, मतलब ये कि ऐसी खवातीन भी हैं जो 50+ में है ना, तो उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि इस एज में आपको अगर मेनोपॉज में वो जा रही है तो उनको अपने थायराइड का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। मैम मेनोपॉज का और थायराइड का आपस में कोई कनेक्शन है? हाँ जी, क्योंकि हार्मोन की वजह से ये थायराइड का इशू हो जाता है ना, जो तो थायराइड की वजह से फिर काफी इश्यूज आ जाते हैं। मैंने खुद थायराइड की सर्जरी करवाई हुई है ना, क्योंकि मुझे ये हो गया था 60s में। तो ये है कि जो खवातीन 50+ में होती हैं उनको अपना थायराइड का टेस्ट भी जरूर करवा लेना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। कोई और अपना कोई एक्सपीरियंस है किसी का हमारे साथ? स्टार्ट में रानी वहीदा साहिबा थी और उन्होंने हैंड रेस किया हुआ था, लेकिन शायद उनके माइक का इशू था, वो बात नहीं कर पा रही थी। रानी वहीदा मदनी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के से, क्या आप हमारे साथ हैं, सुन पा रही हैं मुझे? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो? हमारे साथ जो बहने हैं, आज का गुफ्तगु का उनवान जो है वो आपके इर्द गिर्द जिन मसाइल को आप मुशाहिदा करती हैं उनमें से बच्चियों से मुतलका काफी सारी उन पे बातचीत हो रही है। आप अपने इर्द गिर्द अय्याम खास के अंदर मुबतला बच्चियों को, लड़कियों को क्या मसाइल हैं जो आपके मुशाहिदे पे आते हैं, और किस तरह उनको डील किया जाता है, आप किस तरह कौन सी इस्तेमाल की जाती है, और उन मसाइल के अंदर डॉक्टर की तरफ हम जाते हैं या एक दूसरे के मशवरे से बच्चों को, लड़कियों को की रहनुमाई करते हैं, उस पे कोई भी आपका सवाल हो, कोई आपका कमेंट हो या आपकी कोई तजवीज हो जो आपने अपने तजर्बात से सीखा हो या आप किसी डॉक्टर ने आपको एडवाइस दिया, तो वो बाकियों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। मुकद्दस कामरान साहब अभी हमारे साथ सरगोधा से, खुश आमदेस मुकद्दस, आपने एक बार कमेंट भी किया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में ऐड हुआ है इस वक्त आप, तो क्या पीरियड्स के थर्ड डे के बाद ब्लैक ब्लड आना नॉर्मल है? मिस रूबीना, थर्ड डे पे ब्लीडिंग
का कलर ज्यादा डार्क हो जाना क्या नॉर्मल है? एक क्वेश्चन आया आपकी तरफ। एक्चुअली जब आपके पीरियड्स का कलर डार्क होता है, कुछ लड़कियों का ब्लैक तो नहीं है लेकिन आप उसको डार्क ब्राउन कह सकते हैं, डार्क ब्राउन कलर होता है, एक्चुअली वो आपका फ्रेश ब्लड नहीं होता, वो आपका पुराना ब्लड होता है। जब आपके ब्लड का कलर जितना लाइट होगा, मतलब रेड होगा, इसका मतलब है कि ये आपका फ्रेश ब्लड है। और अगर आपके पीरियड्स का कलर थोड़ा डार्क है, दैट इज डार्क ब्राउन है, तो दैट इज नॉर्मल, उसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, ये नॉर्मल है, ये होता है कभी कभी, मतलब इसमें कोई इस तरह खतरे की बात नहीं है, वो ये होता है कि आपका ओल्ड ब्लड होता है। जी शाहीन, हमारे साथ मुख्तियार शाहीन है मियां वाली से। मुख्तियार, आपके मुशाहिदे में किस तरह के मसाइल आते हैं जब आप खवातीन के साथ, लड़कियों के साथ काम करती हैं? हुमा, आप कोई बात करना चाह रही हैं? भक्खर से आसमा वास्ती है हमारे साथ, नैया से मैवेश मजीद साहिबा है। कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट जो आप आज के मौजू के हवाले से करना चाह रही हूँ, प्लीज हैंड रेज करके आप बात कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बात कीजिए, कौन बात कर रही है अपना तारफ देते हुए? हुमा बात कर रही हूँ फाउंडेशन से। जी हुमा, जी जी हुमा बताइए प्लीज। मैं थोड़ा WWD के हवाले से, वुमेन डिसेबिलिटी के हवाले से बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं वो ज्यादा यूजर हैं, तो जब उनको पीरियड्स के डेज होते हैं, यानी कि अभी अभी स्टार्टिंग होते हैं, तो उन दिन से लेकर उनके पेन स्टार्ट हो जाती हैं लेग्स में, बैकबोन में, और वो खाना पीना भी कम कर देती हैं, बिल्कुल ही कम कर देती हैं, खाया नहीं उनसे जाता उनके लिए, वो फिर उनको छुट्टी देना पड़ती है, हमें पूरा पूरा हफ्ता छुट्टी देना पड़ती है, कभी 10 दिन देना पड़ती है, तो उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स जो होती है ना उन्हें फेस करना पड़ती है। ज्यादातर उनकी लेग्स में बहुत ज्यादा पेन होता है और रैशेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके लिए कोई अगर कोई बता सके ताकि वो उनको इनके बारे में थोड़ा सा हम गाइड कर सके, उनके लिए आसानी हो सके। जी मिस रूबीना, अच्छा उनके साथ ही आसमा वास्ती भक्खर से उनका भी क्वेश्चन आया है। आसमा आप हैंड रेस करके बात कर लीजिए प्लीज, मैं तब तक मिस रूबीना की मेरे हाल में डिस्कनेक्ट होगी, उनकी कॉल आ रही है, मैं अटेंड कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, आसमा वास्ती भक्कर से। अच्छा मैंने ये पूछना था, मेरे साथ भी बच्चियां काफी सारी मेरी ऑफिस की बैठी हैं, वो आपका सारा ये प्रोग्राम सुन रही हैं हमारा, और अपने भी मसले मसाइल बता रही हैं और मैं जवाब भी सुन रही हूँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि इनकी यानी कि अबव 40 जो है उसके बाद कब तक जो है ये होता है कि ये रेगुलर नहीं होते पीरियड्स ना, तो मैं ये जानना चाह रही थी कि ये बंद किस उम्र में होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है, अक्सर खवातीन जो है ये मसला लेके आती हैं कि 2 महीने बाद हो रहे हैं, 3 मंथ्स बाद हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो कोई इसकी मैक्सिमम एज कितनी है कि ये कितने अरसे तक जो है नहीं बंद हो जाते हैं होना, ये मैंने एक तो पूछना था। दूसरा ये बच्चियां पूछ रही थी कि इनको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन और जो है खाना गुस्सा आता है, तो इसकी भी रीजन बताइएगा कि ये फिर उस दौर उस हालात में क्या करेंगे, किस तरह से ये जो है फैमिली के सामने खुद को फेस करें या अपने आप को कैसे बेहतर बनाएं। ये 2-3 क्वेश्चन है जो बच्चियां भी मुझसे पूछ रही थी और मैं भी पूछना चाह रही। आसमा वस्ती साहिबा, जी जी मैं जरा आपका जो सवाल है, जी कोशिश करें, मैं जो है वो मैडम रुबीना तक पहुंचा रही हूँ, डिस्कनेक्ट हो गई, वो दोबारा लॉग इन हो रही है। आप अपने क्वेश्चन को जरा रिपीट कर दीजिएगा। एक तो मुझे समझ आया मेनोपॉज की आपने बात की, किस एज में पीरियड्स रुकना शुरू हो जाते हैं, या वक्फे वगैरह। दूसरा और तीसरा कौन सा सवाल था आपका?
जी ये बच्चियों के हवाले से था कि ये कहती हैं कि बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है और जो है गुस्सा बहुत आता है, तो इसका क्या है, इसको फिर कैसे हम लोग ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ये सारी हम लोग चीजें तो देख रहे हैं कि बच्चियों में पैदा होती है, लेकिन हमने इसको करना क्या है, उसके लिए ट्रीट इकदाम कैसे क्या करना है? करने हैं? ओके ओके। जी इनका दूसरा सवाल है कि लड़कियों को इस पीरियड्स के दौरान अयाम खास में कई लड़कियों को गुस्सा ज्यादा आता है, चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाती है, तो उनको हम डील कैसे करें? तो मैम क्या आप लॉग इन हो चुकी हुई हैं या दोबारा होंगी? और क्या पूछना था तुमने? इधर आओ, दिखा दीजिए क्या पूछना ओके है। आप अच्छा ना मिस नाहिदा, ये एक और जी भी क्वेश्चन पूछ जी रही है कि बहुत ज्यादा होना, इसकी क्या वजह है कि पीरियड्स, यानी अभी एज इनकी है 19 साल या 18 साल, तो कहते हैं कि बहुत ज्यादा मिकदार में जो है फ्लू बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से इनके अंदर कमजोरी भी हो जाती है और ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब भी होती है। जी आसमा वास्ती साहब, आपके मैडम रुबीना दोबारा हमारे साथ लॉग इन होती है, लेकिन जो आप बात कर रही हैं अभी, एक तो जो आपने कहा है किस एज में होते हैं, तो ये 45 से 55 के दरमियान हो सकते हैं। कई ख्वातीन को 45 की एज में हो जाते हैं। मैडम रुबीना आ गई हैं दोबारा हमारे साथ, तो वो आपको रिस्पॉन्ड करती है क्योंकि आपके क्वेश्चन मैंने उन तक पहुंचा दिए थे। थैंक यू जी, और थैंक यू सो मच। हुमा इरशाद ने सवाल किया था मिस रुबीना के, जो लड़कियां उनके साथ स्टाफ है कुछ, जिनको काफी ज्यादा 5 5 6 6 और इवन 10 दिनों की भी छुट्टी देने पड़ती है, तो उसको लिए क्या डील करना चाहिए? डॉक्टर के पास जाना चाहिए, रेगुलर चेकअप करवाना चाहिए गायनाकोलॉजिस्ट से? नहीं, पीरियड्स के दौरान वो छुट्टी करती हैं, जी पीरियड्स की, पीरियड्स में उन्हें तकलीफ बहुत होती है तो छुट्टी देना पड़ती है, टांगों में दर्द है और पीरियड्स में पीरियड्स। नॉर्मली छुट्टी है, पेन भी होती है, बॉडी एक भी होती है, जिस्म में दर्द, टांगों में दर्द, कमर में दर्द, ये नॉर्मल चीजें हैं। इसके लिए तो छुट्टी की मेरा ख्याल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर छुट्टी उन्होंने करनी है तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि सिर्फ पेनाडॉल या इस तरह की कोई भी एनल्जेसिक टेबलेट वो ले लें तो वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन छुट्टी का तो इसमें कोई वो नहीं होता। मैम असल में वो डिसेबल पर्संस होती हैं ना, WWD व्हीलचेयर यूजर होती हैं, तो उनके लिए फिर मूव करना, अपने आप को वो वॉशरूम में लेके जाना, उनके लिए काफी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इस वजह से फिर हमें छुट्टी देना पड़ती है, यानी कि वो खुद से मूव भी नहीं कर सकती उन दिनों। नहीं तो पेन की वजह से नहीं मूव कर रही होंगी ना। जैसे भी मूव नहीं कर पाती और खुद से वो कुछ कर नहीं पाती, जिसकी वजह से हमें छुट्टी देनी पड़ती है। अच्छा, इसके बारे नीड्स जी, में तो मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि ये डिफरेंट होती हैं, हर औरत के साथ डिफरेंट होता है, किसी को पेन होती है किसी को नहीं होती। आप डिसेबल की बात कर रही मैडम हैं? जी, ये डिसेबल पर्सन विद स्पेशल नीड्स, डिसेबल हाँ, पर्सन ख्वातीन की बात कर रही हैं। डिसेबल के लिए तो फिर होना चाहिए, क्योंकि वो तो जाहिर है उनका तो, एक तो वो डिसेबल होती हैं, पीरियड्स भी होते हैं उनको, तो उनके लिए तो होना चाहिए, लेकिन 3 दिन या 4 दिन, ज्यादा दिन तो नहीं। थैंक यू मैडम। मैडम थैंक यू। आसमा वास्ती ने मेनोपॉज का पूछा था कि ये इसकी एज ज्यादातर खवातीन में क्या होती है और कहाँ से उनको वक्फे से पीरियड्स होना शुरू हो जाते हैं, जब उनका मेनोपॉज स्टार्ट होया होता है, तो उसकी उम्र क्या है ज्यादातर? ये 50 तक स्टार्ट होती है, मेनापॉज जो होती है 45 to 50 तक होती है, लेकिन कई खवातीन होती है उनकी 55 और 60 तक भी चली जाती है, मतलब उनके ब्लीडिंग जो होती है वो 55 तक भी होती है, लेकिन उसके वो होता है कि मेनापॉज जो होता है ना, उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं वो चलते हैं तकरीबन 6 से 7 महीने तक और 1 साल तक। एक होता है प्री मेनापॉज और एक होता है पोस्ट मेनापॉज, तो ये होता है कि इसके जो मेनापॉज के होता है, तो ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स जो होते हैं वो 6 महीने से 1 साल तक चलते हैं। मतलब इसके आफ्टर लेकिन इफेक्ट्स क्या होते हैं? आफ्टर इफेक्ट्स इसके ये होते हैं कि इसमें यही होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है, जिस्म में दर्द होती है, और इंसान का काम करने को दिल नहीं करता, जिसके साइन एंड सिम्टम्स कुछ थायराइड के साथ भी लिंक कर जाते हैं। ओके, थैंक मेरा यू ख्याल है मैडम। इन्होंने एक और, यहाँ पे जी 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 मैडम, ये आसमा साहिबा ने, जो आसमा वास्ती भक्खड़ से, उन्होंने एक और सवाल ये किया था कि हमारे मुशाहदे में आता है कि लड़कियों को
इन अयामे खास में वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, गुस्सा करती हैं, चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनको डील कैसे किया जाए इनके साथ में। आसमा वास्ती साहिबा, आप मुझे मैसेज में आपके साथ जो लड़कियां बैठी उनके नाम जरूर भेज दीजिएगा, मैंने सोरा को भी बोला है, कि हमें उनको डील कैसे करना चाहिए बीइंग एल्डर। हम उनके इर्द गिर्द है, हमें मालूम है वो चिड़चिड़ेपन के शिकार हैं, तो हम उनको डील कैसे करें? उसके लिए देखिए ये चीज होता है कि डार्क चॉकलेट तो हर एक जगह पे अवेलेबल नहीं होती, तो सबसे बेस्ट जो है इसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं। ये जब चिड़चिड़ापन हो जाता है, बहुत सी लड़कियों को रोना आता है, इसको हम मूड स्विंग्स कहते हैं। तो इसके लिए जो है सबसे बेस्ट है एक केला, अगर आपके पास अवेलेबल हो, एक लड़कियों को बस एक सिंपल केला दे दिया करें, और चॉकलेट अगर अवेलेबल होती है, एक डार्क चॉकलेट होती है, अगर वो अवेलेबल नहीं होती तो नॉर्मल चॉकलेट जो होती है वो बेस्ट होती है आपके मूड स्विंग्स कंट्रोल करने के लिए। और दूसरा बात कि एंड चॉकलेट, हाँ जी, बनाना एंड चॉकलेट जी, ओके, ये तो बच्चियों को वैसे पसंद भी बहुत होती है। लड़कियों को वैसे ही पसंद चॉकलेट तो बच्चियों को पसंद भी बहुत होती है। जी जी बिल्कुल, लेकिन इसमें बेस्ट होती है डार्क चॉकलेट, वो थोड़ी कड़वी होती है, लेकिन उससे आपके ये चिड़चिड़ापन और ये बहुत ज्यादा गुस्सा आना और रोना आना ये बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। दूसरी बात, जब आपके पीरियड्स होते हैं स्पेशली फर्स्ट और सेकेंड डे, उसमें आपके लिए पानी पीना, क्योंकि आपका जो है अक्सर लड़कियां ऐसा करती है कि वो पानी पीना बिल्कुल बंद कर देती है। बेशक आप गर्म पानी पी लिया करें, लेकिन पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पानी नहीं ले पा रहे तो आप कोई भी गर्म चाय हो गई, कावा हो गया, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा कि मैंने ये बात बहुत सुनी कि लड़कियों को पेन बहुत ज्यादा होता है, कोई मेडिकेशन लेने की जरूरत नहीं है, इवन मैं कहती हूँ पेनाडोल लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर हर किसी के पास वो गर्म पानी की बॉटल अवेलेबल नहीं होती तो आप एक मौजा लें और उसमें थोड़े से कच्चे चावल डालें, वो आप थोड़ी देर उसको चूल्हे के ऊपर ही, मतलब ये नहीं कि बिल्कुल चूल्हे पे रख के, वो हीट से आप थोड़ा उसको गर्म कर लें, अगर कोई हीटर हो उसके ऊपर रख लें, उससे गर्म करके उसकी आप टकोर करें। चावलों से बहुत अच्छी टकोर होती है जब आप मौजे में कच्चे चावल डालते हैं और उससे आप टकोर करते हैं। उससे ये होता है कि लड़कियों को जो ज्यादातर पेन होती है ठंड में होती है, क्योंकि उनका जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाते हैं, अक्सर लड़कियों को इवन पीरियड्स में उनके क्लॉट्स बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो उसके लिए आप जितने गर्म गर्म दूध हो गया, कावा हो गया, चाय हो गई, और ये मौजे में थोड़े से कच्चे चावल डाल के इसकी टकोर करना, इससे बहुत ज्यादा आराम आता है। क्योंकि ये चीजें मैंने खुद फेस की हुई है, मैंने मेरा इतना सिवेयर हो गया था कि मैं फिर हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी बहुत ज्यादा पेन होती है तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो घर का टोटका है वो ये है कि दूध में आप सिर्फ एक चक्की गुड़ डाल के उसको मिक्स करके, गर्म करके उसको मिक्स करके वो आप पी दें। ये होता है कि गुड़ गर्म होती है और उससे आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट मिलती है, तो उससे गुड़ और दूध से आपकी पेन बहुत ज्यादा कम होती है। क्योंकि हाँ, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही हमें मुझे एक थोड़ा सा याद पड़ रहा है, हमारा पिछला जो सेशन हुआ था इसी मौजू की पर, वो हमारे साथ थी गायनाकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर मरियम गुल साहिबा, उन्होंने भी ये बताया था कि गुड़ के दूध के अंदर जो हल्दी है, हल्दी गरम दूध में हल्दी आधी चमची डाल के तो बच्चियों को, लड़कियों को, खवातीन को जरूर इस्तेमाल करनी चाहिए पीरियड्स के दौरान, क्योंकि वो किसी भी तरह से आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शन नहीं होने देती। बिल्कुल, ये है तो गुड़ और हल्दी दूध। जी 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 जी, तो गरम लिक्विड्स जो है, जैसे हम सूप लेते हैं वो भी ले लेना चाहिए, कहवा ले लेना चाहिए, दूध ले लें, चाय का इस्तेमाल करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। लेकिन ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि ये हमारा हर मंथ का है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी खसूसी है तो हमें गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर से जरूर बच्चियों को चेक करवा लेना चाहिए। बीइंग एल्डर, बीइंग मदर, हमें बाकियों को गाइड करना चाहिए कि बच्चियों को हॉस्पिटल लेके जाने में, उनका चेकअप कराने में कोई मसला है। देखिए, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस की बात बताऊं तो एबनॉर्मल तब होता है कि जब वो दर्द आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, क्योंकि पीरियड्स में इतनी सिवियर पेन नहीं होती, वो नॉर्मल नहीं होती कि आपको इतनी ज्यादा दर्द। कुछ लड़कियां इस तरह, मैं खुद, कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है पीरियड्स में, वो वॉमिटिंग बहुत ज्यादा होना इज नॉट नॉर्मल, ये चीज नॉर्मल नहीं है। अगर लड़कियों को ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि हमारी दो ओवरीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड पे होती है, एक राइट साइड पे होती है, यूट्रस में बिल्कुल उनको इस तरह फील हो रहा होता है जैसे कुछ फंसा हुआ है,
बहुत ज्यादा ऐसे, मतलब वो कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं फिर वो जोर लगाने की कोशिश करती हैं कि ये क्या फंसा, ये इस तरह, इसको हम इंग्लिश में एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ब्लॉटिंग। ये भी नॉर्मल नहीं है कि आपको अपना यूट्रस बहुत ज्यादा भारी भारी लग रहा हो या इस तरह फील हो रहा हो कि मुझे मेरा कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि उसमें ये बात होती है कि आपकी सिस्ट हो सकती है, जो कि मेरी थी और मेरी इतनी सिवेयर हो गई थी कि मेरी 6.2 इंचेस की सिस्ट थी। तो मेन बात यह है कि पीरियड्स में जो आपको दर्द होती है वो तब नॉर्मल होती है जब तक वो आपकी बर्दाश्त में हो। अगर आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाए, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं वो बेहोश हो जाती हैं पीरियड्स में, उनका बीपी इतना लो हो जाता है, ये भी नॉर्मल नहीं है। बहुत ज्यादा उल्टियां होना, ये नॉर्मल नहीं है, तो उस वक्त फिर उनको डॉक्टर के पास चेकअप करवाना चाहिए। फिर कुछ लड़कियां, मैंने जैसे कि पहले बताया कि पीरियड्स में वो इंजेक्शंस लगाती हैं, वोरीन लगाती हैं, कोबीन लगाती हैं, वॉमिटिंग के लिए वो ग्रेविनेट लगाती हैं। मैंने वोरीन बहुत ज्यादा, पेन किलर्स मैंने बहुत ज्यादा लगाए हुए हैं, लेकिन उन पेन किलर्स की वजह से आगे जाके आपको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो अगर वो दर्द आपकी बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो फिर आपको जरूर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना मसला डिस्कस करना चाहिए। जी, हमारे मिस रुबीना, आपने एंड पे एक स्लाइड रखी हुई थी जो पे कंक्लूजन थी, रिकमेंडेशंस थी या सफारशात आज के सेशन के एंड पे कुछ आ रही हैं कि देयर शुड बी फीमेल शॉपकीपर्स, इस पे जरा आप रोशनी डालें कि यकीनन सारा ग्रुप इन चीजों को सपोर्ट करेगा। मतलब कि फीमेल को शॉप्स होनी चाहिए उनकी। जी जी, आपने लिखा देयर शुड बी फीमेल शॉपकीपर्स फॉर रेजिस्टेंस टू बाय सैनिटरी पैड्स। हाँ जी, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स लाइक ना, गांव में लोकल शॉप्स होती हैं, तो हम लोगों ने जो सर्वे किया था तो लोकल शॉप्स में पैड्स अवेलेबल नहीं थे, वो कहते थे कि हम नहीं ला सकते, और जो मेल है उनसे फीमेल खरीद नहीं सकती, तो जाहिर है कि उसके लिए उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में फीमेल जो शॉप्स हैं वो होनी चाहिए, जहाँ पे फीमेल के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें सैनिटरी पैड्स हो गए या बाकी जो चीजें होती हैं खवातीन की, तो वो वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए ताकि उनको परचेज करने में आसानी हो और किसी को कहना ना पड़े। जी जी, थैंक यू मैडम। इसमें आपने लिखा हुआ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स लाइक biodegradable material should be introduced instead of China products. Not only pads but its packing should also be made of biodegradable materials to control pollution. जी, इसमें मैं तजवीज क्या है, कैसे होगा ये? जी जी, इसमें मैं इसी पॉइंट में मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ। मैं शायद नाम अगर मैं गलत ले रही हूँ, उस वक्त हमें हुमा ने ये बताया जब हमने क्वेश्चन किया कि आप कितने टाइम बाद पैड चेंज करते हैं या कपड़ा चेंज करते हैं, तो मुझे जो आंसर मिला कि हम एक दिन में एक पैड यूज करते हैं, जो कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर आप एक सैनिटरी पैड यूज कर रहे हैं तो वो आपको हर 3 से 4 घंटे बाद आपको चेंज करना लाजमी है। अगर 3 से 4 घंटे बाद अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो कम से कम 6 घंटे बाद आपको अपना पैड लाजमी चेंज करना होता है। उससे ये होता है कि जो लड़कियां या जो औरतें, आप जानती भी होंगी, अगर जो पैड्स आप सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं, कुछ टाइम बाद उससे बहुत ज्यादा स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसकी वजह से बहुत सी लड़कियों को रैशेस भी बनते हैं, रैशेस बन जाते हैं, इन्फेक्शन होना, यूटीआई होना, ये इसीलिए होता है कि हमारी फीमेल्स जो हैं वो पैड्स टाइम पे नहीं चेंज करती। अगर आप कपड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका भी ये तरीका होता है कि जब आपने उसको धो दिया है तो आप उसको प्रॉपर धूप में आप उसको सुखाएं। धूप से ये होता है कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया और इन्फेक्शन होते हैं वो उसमें खत्म हो जाते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल जो पैड्स हैं, इसके लिए तो हमने रिसर्च की थी किसी के लिए ना, तो ये उनकी उस पे वो था कि वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे इसको, तो उन्होंने कहा था कि बाकी भी जो पैड्स हैं, जो ऑलवेज हो गया या बाकी जो है मदर केयर हो गया, कि ये कैसे है ना, अगर हम बायोडिग्रेडेबल पैड्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो वो जरा एक्सपेंसिव होंगे, तो क्या लोग इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो हम बायोडिग्रेडेबल पैड्स की बात नहीं कर रहे, आम पैड्स की बात कर रहे हैं और कपड़े की बात कर रहे हैं जो हमारी आम प्रैक्टिस में है, क्योंकि हम वो काम करें जिसको हम यूज कर सकते हैं, जो इकोनॉमिक आजकल के हालात में जो ज्यादा इकोनॉमिकल ना हो।
तो उसके लिए मैं यही कहूंगी कि ज्यादा बेहतरीन चीज यही है कि हम अगर कपड़ा इस्तेमाल करें तो वो हम उसकी केयर कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हम उसको देख भी सकते हैं, सफाई का भी ख्याल रख सकते हैं। और पैड्स चाहे वो ऑलवेज हों चाहे वो जो कोई भी हो, एक तो एक्सपेंसिव भी होते हैं और दूसरा ये कि खरीदने में इशू होता है, क्योंकि लड़की को अगर जरूरत है तो वो खुद अपने लिए पैड्स नहीं खरीद सकती। जाहिर है या वो अपनी माँ को कहेगी या बहन को कहेगी, और मेल को तो कह नहीं सकती वो। तो इसीलिए बेहतर यही है कि अगर वो कपड़े का इस्तेमाल करे, साफ कपड़े का इस्तेमाल करे और उसको धो के इस्त्री करके धूप में उसको स्टरलाइज करके और इस्तेमाल करे तो वो ज्यादा सेफ है। मैं तो ये कहूंगी कि कपड़ा ज्यादा सेफ है बनिस्बत पैड्स के, लेकिन पता नहीं मेरी बाकी बहनों का क्या ख्याल है, वो भी अपने ख्यालात को शेयर करें तो बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया मैडम आपको आज के सेशन में, आपने किसकी एक्सपीरियंस किसका शेयर किया था जरा नाम बता दीजिए। आपके साथ थी हमारे साथ बच्ची सना खान। हाँ आपकी शमूलियत ने, आपकी तरफ से जो एक्सप्लेनेशन थी उसने आज के सेशन को यूथ के लिए, नौजवान लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर दी है, ज्यादा मुअसर कर दी है, क्योंकि आप अपने तजर्बात शेयर कर रही थी और आपकी जबान से जो बात निकली हुई है वो लड़कियों को, जो यूथ हमारी आज के सेशन में शामिल है, उन्हें ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्योंकि आप बता रही थी कि आपके साथ ये हुआ और आपने कैसे इसको डील किया, और जितने अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन कर रही थी वो बहुत मुअसर होगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बातें मेरी बेटियों के लिए और जो मतलब यंग सारी लड़कियां जो आज के सेशन में, उन सब के लिए ज्यादा मुअसर होगा। बेहद शुक्रिया, आपने बहुत जुरत का मुजाहरा किया और इससे बाकी लड़कियों की भी हौसला अफजाई होगी कि इन मसाइल पे बात करना और बाकियों के साथ शेयर करना आम बात है। मैं भी यही शेयर करना चाहूँ क्योंकि हमारे घर में भी आम बच्चियों के साथ इन मौजूदात पे बात होती है, तो मेरी बच्चियों के थ्रू जो उनकी क्लास की बाकी बच्चियों के मसाइल है, इस तरह से मेरी वजह से उनकी माओ ने मेरे साथ रब्ता किया कि जी आप किस डॉक्टर के पास अपनी बच्ची को लेके जा रही है, अगर उसको कोई हेल्थ का इश्यू है, तो उन माओ ने मुझसे रहनुमाई ली और उस डॉक्टर की तरफ हमने उनको रेफर किया। क्योंकि माओ के पास भी पहले बच्चियों को नहीं पता होता, बच्चियों को जब ये पता चला कि एक बच्ची छुट्टी कर रही है तो मैंने तो जाके इनकी टीचर्स को कहा अपनी एक बच्ची को। मेरी एक बेटी का ये इशू था कि वो जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस लेती थी उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती थी, क्योंकि उसका एच बी लेवल बहुत डाउन हो गया था और उसको जरा अर्ली एज में उसको पीरियड स्टार्ट हो गए। उसके लिए फिर मैं टीचर्स को कहा था ये जैसा पढ़े, जैसा पढ़ सकती है, आप जैसे इसको स्ट्रेस देते हैं तो स्ट्रेस में ये जाती है तो उसको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी ब्लीडिंग उसको बहुत ज्यादा हो जाती है। तो टीचर्स को, इवन उसके जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन सबको जाके मैंने बताया, मैंने कहा मुझे इसके रिजल्ट से कोई सरोकार नहीं है, ये खुद पढ़ लेगी, लेकिन आप इसको बिल्कुल ओके, वो आप माशाल्लाह से ठीक है, लेकिन वो तभी हो सका जब मैंने टाइमली उसका डॉक्टर से कंसल्ट किया, रेगुलरली मैं 3 महीने तक उसको लेके जाती रही। तो वो ये बात जरा अजनबे की कम्युनिटी में महसूस की जाती है कि आप अपनी जो छोटी बच्चियां हैं उनको लेके लेडी डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इस टैबू को भी अपने इर्द गिर्द देहातों में तोड़ना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, यूथ मेंबर्स हैं उनसे मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि काइंडली अगर आपको कोई मसला होता है तो आप शर्माए नहीं, आप यकीन जाने कि मैं अगर आपको अपने एक्सपीरियंस की बात करी हूँ, मेरी कोई बहन नहीं ना मेरा कोई भाई, मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपने बाबा के साथ थी। मेरे हॉस्पिटलाइजेशन में, मेरी हर एक चीज में मेरी मदर से ज्यादा मेरे फादर ने मुझे सपोर्ट किया, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपको अल्लाह ताला की तरफ से आप कहीं ये आपके लिए एक गिफ्ट है। और अगर आप और किसी से नहीं, लेकिन हर एक लड़की अपनी माँ के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, और मेरी सब मदर्स से भी ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने कहा कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं होती कि जब दर्द आपकी बर्दाश्त से बाहर है तो तब ये नॉर्मल नहीं होता, तो प्लीज़ इस चीज़ को सीरियसली लिया करें। क्योंकि मुझे ये सिस्ट का मसला मुझे अभी भी याद है कि मैं 14 साल की थी कि जब से मुझे ये दर्द शुरू हुई थी, और मैं जब 20 साल की हुई मुझे उस उम्र में पता लगा कि मैं इन 5-6 सालों से ये तकलीफ मुझे इस वजह से हो रही है। तब मुझे मालूम हुआ कि जब वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक आ गया तो उस वक्त मुझे मालूम हुआ। तो काइंडली इस चीज़ को सीरियस भी लिया करें, और वही मैं कहूँगी कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है कि अगर आप अपने फैमिली मेम्बर से, माँ बहन से अगर आप डिस्कस करें तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, ये आपकी अपनी सेफ्टी के लिए।
किसी का कोई कमेंट हो, आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें ताकि आज की जो मुलाकात है उसको यादगार बनाया जा सके, हमारी ये ग्रुप फोटो हो जाए। क्योंकि हम आज, आप सबको ये भी मालूम होना चाहिए कि हम अपनी 50वीं मीटिंग कर रहे हैं, निसब सेंचुरी अपनी हफ्तावार मुलाकात की मुकम्मल हो चुकी है, तो इसमें जो लोग शामिल हैं वो डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। और उसके साथ ही आज की जो हमारी स्पीकर है मिस रुबीना मैसी और सना, आपका बेहद शुक्रिया, आपने बहुत अहम मालूमात सवालात के जरिए हमारे साथ शेयर की। और सना बेटा, आपको सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, और यकीनन ये बाकी बच्चियों के लिए मशनेरा है। जी जी, परमिशन दे हम अपने जी, सबको मैं कह रही हूँ कि कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। परमिशन क्या हमारी तरफ से होनी है वाजिद, तो प्लीज इसको चेक कर लें। हाँ जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लें। ओके, मेरा भी कैमरा ऑफ है, तो मैं आप सबको कह रही हूँ, तभी मेरी बात में असर नहीं लग रहा। आप सबकी भरपूर शिरकत का बेहद शुक्रिया। यकीनन आज हम सब ने एक बहुत अहम मौजू पे ख्वातीन की बच्चियों के अयाम खास के हवाले में से बातचीत की, उसके मसाइल को डिस्कस किया, और हमने सीखा कि हमने शर्माना नहीं है, बात करनी है, सवालात करने हैं, और अपनी बड़ी ख्वातीन से, खास तौर पे माँ से, बहन से रहनुमाई लेनी है। नानी दादी भी बड़ी अच्छी रहनुमाई करती हैं, वो भी आपको बड़े हौसले से, ये आम बात है पुत्र, हमें भी यूं ही होता था, सो इसको ऐसे बर्दाश्त करो, इसको टकोर कर लो, सौगी खा लो। मेरे दादा बोला, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो मुझे कहते थे कुड़ी नू सौगी दो। जब उन्हें ये समझ आती कि मैं थोड़ी सुस्त हूँ, तो मैं अब भी अपनी बच्चियों के साथ शेयर करती कि कितने जीरक थे, मुझे कभी बताना, लेकिन कहते थे इसको बिस्तर में बैठाओ और इसको सौगी दो। ये ड्राई फ्रूट्स खाए। सो हमारे इर्द गिर्द जो हमारे बुजुर्ग है वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, आप सबका भरपूर शिरकत का, और खास तौर पे सूरज जमाली आपके साथ जो काफी सारी खवतीन है, हुमा के साथ है, उसके साथ हमारे साथ कुछ और बहनों के साथ भी, आसमा वास्ती के साथ और बच्चियां मौजूद थी, आप सबका और नौजवान बच्चियों का बेहद शुक्रिया, क्योंकि आपने इतने भरपूर अंदाज में शिरकत की। सूरज जमाली आपके साथ जो खवतीन है, अगर उनका मुझे मैसेज पे उनका नाम भेज दे। आसमा वास्ती साहिबा, आप भी प्लीज नाम भेज दीजिएगा मुझे टेक्स्ट में, ना मैसेज में, ताकि हम शुमार कर सके, ताकि हम शुमार कर सके। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, और दई खवातीन नंबर 3 और बाजी कौसर के मेरे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। आपका कोई भी फीडबैक हो, अगर आपसे कोई सेशन का हिस्सा मिस हो गया हो, तो आप फेसबुक पे भी इसको लाइव देख सकते हैं, हमारी स्क्रीन के ऊपर भी आपका जो पौधा के कॉन्टेक्ट्स हैं इन्फो पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे, वो सब आपके सामने मौजूद है। खुदा हाफिज जी, बाजी जी जी जी, कमेंट्स कर रहे हैं। सूरज जमाली आपने कमेंट्स में लिख दिया है, वरना आप चैट में भी हमें भेज सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़ एवरीबॉडी, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे। रुबीना, आपका बेहद शुक्रिया, आपका और सना का। जी जी आप